hello students in this we'll be discussing about the attachment theory the strange situation test uh, who, uh, which was conducted by the mary Innsworth and lamb so yes uh, we have we know that uh, we know that this particular topic the attachment theory comes under the chapter lifespan development that is there in your syllabus lifespan development has different different theories about human development

देन लेटर इन द रन उसके जिस एनवायरनमेंट में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं लाइक वन ही एज ऑफ थ्री टू फोर ही गोज़ फॉर प्री प्राइमरी स्कूल ठीक है तो प्री प्राइमरी स्कूल गए तो मतलब अभी तो सिर्फ पेरेंट्स वर देर ठीक है नहीं या फिर फैमिली और या फिर आ, कोई ओकेजनस हुए तो एक्सटेंडेड फैमिली से मिलने का मौका मिल गया अब क्या हुआ फोर टू फाइव ईयर्स के हो गए तो फिर अब प्री प्राइमरी थ्री टू फोर ईयर्स के हो गए तो प्री प्राइमरी स्कूल जा रहे हैं वहाँ पे अब फ्रेंड्स बन रहे हैं टीचर्स हैं ठीक है तो प्री प्राइमरी तो थोड़ा छोटा स्कूल होता है देन जब नॉर्मल स्कूल में मतलब जा रहे हैं लाइक फाइव टू सिक्स ईयर्स में तो फिर और ज़्यादा ठीक है तो सोशल हो रहे हैं तो इसमें इस तरह से किस किस तरह से ये लोगों से मिलना ठीक है? है लोगों से नए नए लोगों से इंट्रैक्ट करने से सॉरी इंट्रैक्ट करने से किस तरह से सोशल डेवलपमेंट हो रहा है ठीक है एंड इनिशली मदर या फिर केयर गिवर के होने पे जो जो सबसे पहले जो ज़ीरो टू टू इयर्स ठीक है जीरो टू टू इयर्स की में के टाइम पे जब मदर से मेनली इंट्रैक्ट करे थे तो किस तरह का इमोशनल डेवलपमेंट हुआ है ठीक तो है तो उसके बेसिस पे अटैचमेंट थ्योरी दी गई है एंड दिस मेनली कन्जिस्ट ऑफ दिस स्ट्रेंस सिचुएशन दिस जिसमें से अटैचमेंट टाइप ऑफ अटैचमेंट स्टाइल्स निकल के आया है एंड दिस इज़ वॉट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस सो so, what is इज अटैचमेंट अटैचमेंट इज़ इट कैन बी सेड इन द form फॉर्म इट कैन बी सेड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लव ठीक है तो ये कहाँ से आता है ये केयर गिवर और चाइल्ड की बॉन्डिंग से आता है ठीक है तो केयर गिवर और चाइल्ड की बॉन्डिंग से क्या आएगा आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ लव विच इज अटैचमेंट ठीक है तो द पर्सन जब यह अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये चाइल्ड अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तब भी इसकी अटैचमेंट स्टाइल्स रिफ्लेक्ट होंगी ठीक है ओके ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड दी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट सो अगर ये क्वेश्चन आता है कहीं भी कि अटैचमेंट किसके अंडर आ रहा है अटैचमेंट डायरेक्ट आ रहा था इससे पहले जितनी भी थ्योरीज थी उसमें डायरेक्ट लिखा था प्याजी एस कॉग्रेटिव डेवपमेंट कोलबर्ग्स लॉरेंस कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट तो इसमें एक्जैक्टली नहीं लिखा हुआ है कि कौन से डेवलपमेंट में सो दिस विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ठीक है इमोश जब हम लोग सोशली इंट्रैक्ट करते हैं तो हमारे इमोशंस किस तरह से डेवलप होते हैं हाउ वी कॉम्प्रिंड अदर्स इमोशंस एंड हाउ वी कॉम्प्रीहेंड आर इमोशंस एंड हाउ वी डिस्प्ले आर इमोशंस एंड हाउ वी कॉम्प्रीड एंड अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अदर पीपल तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है डेवलपमेंट इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ठीक है इट इज़ नॉट हैपनिंग ओवर नाइट इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड इट इज हैपनिंग फ्रॉम दी बर्थ टिल दी डेथ मतलब हर टाइम इंसान डेवलप हो रहा है ठीक है इसीलिए हम ये लाइफ स्पैन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं एंड लाइफ स्पैन ऑल थ्रू द लाइफ ठीक है डेवलपमेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलप सॉरी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट एंड हैंस वी आर स्टडिंग सोशल इमोशनल डेवलपमेंट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक सो नो डेवलपमेंट नॉट इन वैक्यूम ठीक है हमने इसके अंदर बात करी डेवलपमेंट एक वैक्यूम में नहीं हो रहा है ठीक है डेवलपमेंट एक ऐसा नहीं कि बस कुछ हो रहा है डेवलपमेंट एक सबके मतलब जीन्स ठीक है जीन्स एंड एनवायरमेंट के प्रेजेंस में हो रहा है नेचर नर्चर यू मस्ट हैव लर्न दिस इन योर इलेवेंथ नेचर विच इज़ योर जीन्स ठीक है जीन्स और नेक्स्ट इज वर्ड नर्चर विच इज़ एनवायरमेंट तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का एक जो प्रोडक्ट है विद दैट इज व डेवलपमेंट इस ठीक है तो डेवलपमेंट एक वैक्यूम में नहीं हो रहा है डेवलपमेंट ओवरऑल इंटरेक्शन से हो रहा है विद द सोसाइटी विद द केयर गिवर ओके वी आर डिस्कसिंग अबाउट विच टाइप ऑफ डेवलपेंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोशल एंड द इमोशनल डेवलपमेंट मेनली द इमोशनल डेवलपमेंट इन सब्जेक्टिव फीलिंग्स सोशल ओके सो जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे होते हैं तो वो दे आर नॉट मतलब मतलब देखे नॉट वेरी इजिली कन्वे देअर इमोशन देअर फीलिंग्स तो उनके इमोशन्स एंड की फीलिंग्स कैसे कॉम्प्रिंट करती है मदर मेनली मदर या केयर गिवर दैट इज़ मेनली थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशन दैट इज़ वॉट रिटर्न ओवर यर इमोशंस इन्फैंड की सब्जेक्टिव फीलिंग सब्जेक्टिव फीलिंग्स दैट वट वट डू मीन माई सब्जेक्टिव फीलिंग्स सब्जेक्टिव फीलिंग्स मतलब पर्टिकुलर उस पर्सन से रिलेटेड पर्टिकुलरली उस उसी इन्फैंट से रिलेटेड लाइक देर आर टेन फैंट्स एट वन प्लेस तो सबकी अलग अलग फीलिंग्स होंगी कोई हंस रहा होगा कोई रो रहा होगा कोई ऐसे गिगल कर रहा होगा कोई हाथ पैर ऐसे ऐसे कर रहा होगा ठीक है सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स होंगी तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से उनके मोटर एक्शन से पता लगाई जा सकती है ठीक है ऐसे तो वो बोल के तो कन्वे नहीं कर पाएंगे सो अटैचमेंट इज़ वॉट द फर्स्ट फॉर्मुल वी हैव डिस्कस दिस बिफोर इन दिन प्रीवियस लाइफ इन फैंड आई हैव स्ट्रॉग अटैचमेंट विद द केयर गिवर दिस इज केट लिखा लिख गए इट इज़ केयर केयर गिवर इन्फेंट स्ट्रोंग अटैचमेंटे ऑबियसली जो इन्फेंट्स uh, की नीड्स uh, को मीट करता है लाइक वन वैन द इनफेंट वॉन्ट्स टू क्राई तो उनको पैम्पर करके शांत कराता है वैन दे दिन फैंट इज हंग तो उनको फीड कराता है ठीक है और वैन दे वन दे वैन द यूरिट वन दूप तो उसको क्लीन करता है तो एवरी नीड्स ऑफ द इन फैंट आर मेड एनहेंस दे आर वेरी मच लाइक क्लोज एंड विद द केयर गिवर बिकॉज द केयर गिवर इज अटेंटिव ठीक है दिस इज वॉट यूजली इज मतलब यूजली ये होता है केयर गिवर मैंशन है मदर मैंशन नहीं है ठीक है केयरगीवर है दे मतलब दे दे आर यूजिंग दिस की वॉट हैपेन्स वैन अ फादर डिपार्ट ठीक है तो वैन वो यूजली क्या होता है कि जब जब जब, जब फादर गोज फॉर हिज वर्क प्लेस मतलब वेन द फादर लिव द चाइल्ड यूजली क्या होता है मतलब क्या होता है एक बच्चे बच्चा कैसे बिहेव करता है वो खुशी खुशी जाने देता है कि यहाँ नहीं छोटे बच्चे क्या करते हैं रोने लगते हैं छोटे छोटे बच्चे क्या पाँच से छः साल तक भी बच्चे रोते रहते हैं तो यहाँ पे तो मेनली इन्फेंट्स की बात कर रहे हैं तो जब जब पेरेंट्स फादर जब मेनली फादर या मदर कोई भी मदर यूजली नहीं मतलब डिपार्ट करती हैं बट अगर मदर भी वर्किंग है तो मदर अगर जा रही है तो बच्चे रोने लगते हैं ठीक है ये एक नेचुरल सी चीज़ है कि मतलब बच्चे रोते हैं अगर कोई वन ऑफ़ द पेरेंट लीव्स या फिर केयर गिवर लीव्स ठीक है ये ये सब चीज़ें लेके चल रहे हैं साइकोलॉजिस्ट मेजरमेंट ऑफ अटैचमेंट ठीक है तो यहाँ साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजिस्ट ट्राइड टू मेजर अटैचमेंट ठीक है ये जो बॉन्डिंग है बिटवीन द केयर गिवर एंड द चाइल्ड विच इज़ नोन एज अटैचमेंट विच इज़ नोन एज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लव दे वॉन्टिड टू एसेस दिस दे वॉन्टिड टू मेजर दिस तो इन्होंने एक कंडक्ट किया एक टेस्ट विच इज स्ट्रेन सिचुएशन टेस्ट युगांडा लैब में प्ले रूम तो यू डिड दे डू दे सेटअप देर से ग्लास रूम सेटअप जिसमें बच्चा खेल रहा था एंड दी बाहर से द चाइल्ड एंड दी स्ट्रेंजर्स वन स्ट्रेंजर वॉज ऑल्सो प्लेस इन दैट रूम द चाइल्ड एंड द स्ट्रेंजर वॉज व विजिबल फ्राम आउटसाइड बट दे मतलब दे वो नहीं देख पा रहे थे कि अंदर से कि कोई बाहर से उनको देख रहा है बट वन साइड था वो वो रूम ठीक है जो क्लास था एंड उसमें एक स्ट्रेंज यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है स्ट्रेंज सिचुएशन मतलब कि क्या होता है कि बच्चा खेल रहा होता है वहाँ पे काफ़ी सारे टॉयज़ होते हैं वहाँ पे एक स्ट्रेंजर होता है स्ट्रेंजर होता है और पेरेंट होता है तो कुछ बच्चे से मतलब वो देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चा रिएक्ट कर रहा है उसके बाद क्या होता है थोड़ी देर बाद मतलब पेरेंट वहाँ से चला जाता है और वो स्ट्रेंजर वहाँ पर रहता है एंड देन द पेरेंट कम्स बैक एंड उसके बाद बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं ये देखा है मतलब इनिशली बच्चे हैं बच्चा है केयर गिवर है एंड स्ट्रेंजर है देन थोड़ी देर बाद पेरेंट चले जाते हैं केयर गिवर बाहर चले जाते हैं एंड थोड़ी देर बाद वापस आते हैं ठीक है दे दिबार्ट दे डिबार्ट एंड देन दे कम बैक सो नाउ स्ट्रीन सिचुएशन टेस्ट में क्या था यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्ट्रीन सिचुएशन टेस्ट में प्रोसीजर इन विच केयर गिवर लीव्स अ चाइल्ड फॉर फ्यू मिनट एंड रिटर्न मतलब थोड़ी देर छोड़ के चले गए एंड देन ही इज रिटर्निंग देन द केयर गिवर इज रिटर्निंग ठीक stranger है स्ट्रेंजर है वहाँ पे दिस टेस्ट इज़ बेज ऑन बोलबी थ्योरी बोलबी का बहुत ज़्यादा काम है अटैचमेंट पे इन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज दी हुई हैं एंड uh, क्या कहते हैं इन्हीं की थ्योरी पे बेस्ड है बोलबी का कहना था कि अटैचमेंट जो है वो इन दो चीज़ों पर के बीच का बैलेंस है क्या क्या है वो चीज़ इन्फेंट की टेंडेंसी ठीक है कि वो केयर कीवर के पास रहे इन्फैंट की टेंडेंसी कि वो केयर कीवर के पास रहे और इन्फैंट की टेंडेंसी कि वो इन्वायरमेंट भी एक्सप्लोर करें मतलब एक तो खेलना भी है हमको एन्वायरमेंट भी एक्सप्लोर करना है और हमको अपनी मम्मी को या फिर मतलब गिवर को छोड़ना भी नहीं है ठीक है तो मतलब तो टू सीक टू तो सीक तो नियरनेस विद द गिवर एंड एंड विलिंगनेस टू एक्सप्लोर न्यू एमेंट ऑल्सो तो ये है अटैचमेंट ठीक है एनवायरमेंट भी एक्सप्लोर करना है और गिवर के साथ भी रहना है ये दिस इज वॉट बॉल बी है ना अब ये जो इन्होंने जो टेस्ट किया स्टेन सिचुएशन टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस वाज डन बाय एन एंड मेरी लैम ठीक है मेरी एन सुवत एंड लैम ने ये टेस्ट किया था ठीक है और ये लैम ठीक मैरी एनसुपर्थन लैम ने टेस्ट किया था और ये टेस्ट किस पे बेस्ड था बोलबी की थ्योरी पर अटैचमेंट की तो इसमें से काफ़ी चीज़ें जो निकल के आई जो मतलब इन्होंने जो कंक्लूड किया उसको प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट स्टाइल्स ठीक है बोलबी का भी इस पे काम है मैरी एनसुपर्दन लैम का भी काम है सो तो दे प्रेजेंटेड देयर थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट स्टाइल्स दे फाउंड कि बच्चे अलग अलग तरह के बच्चे अलग अलग तरह से रिस्पोंड कर रहे हैं अलग अलग तरह का एक अटैचमेंट स्टाइल प्रेजेंट कर रहे हैं तो इन्होंने अलग अलग तरह के बच्चों का अलग अलग जो अटैचमेंट स्टाइल था उसको अपनी थ्योरी में प्रेजेंट कर दिया जैसे कि मेनली देर दे फाउंड आउट फोर दे एक्सट्रैक्टेड आउट फोर टाइप्स ऑफ अटैचमेंट स्टाइल फर्स्ट वन इज सिक्योर अटैचमेंट ठीक है द फर्स्ट वन इज सिक्योर अटैचमेंट दी नेक्स्ट इज इनसेोर अटैचमेंट इनसेक्योर और अवॉइडेंट दी नेक्स्ट इज इनसेर और एम्बीविलेंट एंड द लास्ट इज द डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट ठीक है सो so नाउ Attachment style is in the uh, attachment style. क्या 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 स्टेप्स थे जब केयरगीवर प्रेजेंट था इन दी इन दी सेकेंड बॉक्स यू कैन सी पिंक केयरगीवर प्रेजेंट था तब तो कैसे बिहेव कर रहे थे बच्चे स्ट्रेंजर इंगेजमेंट स्ट्रेंजर की प्रेजेंस में किस तरह से बिहेव कर रहे थे बच्चे दैन जब केयर गिवर ने डिबार्ट कर दिया तब तो किस तरह से वन द केयर गिवर लेफ्ट दैट प्लेस तब किस तरह से बिहेव कर रहे थे एंड देन वन द केयर गिवर फाइनली रिटर्न तब किस तरह से बिहेव कर रहे थे लाइक देयर आर मेनली फोर स्टेप्स इट हैज़ बीन ब्रेक डाउन इन दी ब्रोक एंड डाउन इन दी फोर स्टेप्स ठीक है तो फोर स्टेप्स में किस किस तरह से बेहेव कर रहे थे वो उसको समअप करके उन्होंने एक अटैचमेंट स्टाइल प्रेजेंट कर दिया विच इज इन सिक्योर इनसेर अवॉयडेड इनसेर एम्बीबलेंट एंड दिसऑर्गनाइज आउट ऑफ ऑल दिस फोर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई कैन सी इज द इनसेक्योर और एम्बेबलेंट ओके सो वील भी डिस्कसिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट अटैचमेंट स्टाइल विच इज इ सिक्योर सिक्योर वाले बच्चे क्या करेंगे वो लोग जब गयरगेवर प्रेजेंट होगा तो बहुत अच्छे से एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करेंगे ठीक है उनके सामने मतलब वे आर फ्री मतलब ठीक है जस्ट अ सेकंड दे आर फे फीलिंग वेरी फ्री कि भाई केयर किवर तो है ही और बहुत ईजीली और बहुत ही कैजुअली दे आर एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट ठीक है उससे पहले अभी बात करी ना बोल भी क्या था कि अटैचमेंट दो चीज़ों के बीच का बैलेंस है कि एनवायरनमेंट भी एक्सप्लोर करना है और चाहते हैं कि केय किबर पास भी रहे तो यहाँ पे भी देखिए ये वही वाला अटैचमेंट कि केय किवर पास भी है और एनवायरनमेंट एक भी एक्सप्लोर करना है उसके बाद क्या होता है कि अब ये जो स्ट्रेंजर उसके साथ भी इंगेज हो जा रहे हैं बट प्रेफरेंस है वो केयर गिवर को ही मिल रही है अब यहाँ पे क्या है कि मतलब जब केयर गिवर जाएगा बाहर तो हो सकता है रोए और हो हो ये भी सकता है कि ना भी रोए ठीक है और उसके बाद जब वो केयर गिवर वापस आएगा तो उसको बहुत अच्छे से ग्रीट करेंगे दे विल एक्टिवली सी कॉन्टैक्ट विद द केयर गिवर एज वेल ठीक है तो उसमें सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही है ठीक है अगर आप देखें तो सभी कुछ पॉजिटिव है ठीक है बस ये हल्का सा ये वाला नेगेटिव हो सकता है मे मेवर मे नॉट बाकी मतलब यूज दिस इज अ वेरी जनरल थिंग ऑल्सो वैन गिवर डिपार्ड जनरली चिल्ड्रन क्राई ओनली तो इसमें भी पॉजिटिव ही इसमें कुछ खास नेगेटिव ऐसा नहीं है अब यहाँ पे क्या है इसिक्योर और अवॉइडेड मतलब नाम में ही नेगेटिव है इनसेर दे आर इसिक्योर नाम से ही पता चल जा रहा है इनसे्योर भी हैं मतलब है और अवॉइडेड भी मतलब इसिक्योर भी हैं और अवॉइड भी करेंगे अभी से क्लियर है तो आपको क्या हुआ है कि अगर अगर इमोशनली अनअवेलेबल केयर गिवर है ठीक है the, मतलब आई दी टेलिंग यू ना इन बिफोर की वेन द इमोशनल नीड्स आर नॉट मेट ठीक है वेन द केयर गिवर इज नॉट अटेंटिव सो दे विल बी डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ अटैचमेंट स्टाइल द इनसिक्योर एंड अवॉइडेंट ठीक है तो इनसिक्योर द इमोशनल जो है वो केयर गिवर जो इमोशनली अनवेलेबल है अवेलेबल ही नहीं इमोशनली ठीक है तो स्ट्रेंजर को केयर गिवर की तरह ही ले लेंगे कि भाई स्ट्रेंजर केयर गिवर में कोई डिफरेंस ज्यादा देख नहीं पाएंगे ठीक है तो जब केयरगीवर लीव करेगा तो उनको थोड़ा या लिटिल डिस्ट्रेस लाइक आई डोंट केयर टाइप्स ठीक है <laughs> वही वाला इनका हिसाब है आई डोंट केयर लिटिल और नो डिस्ट्रेस वाला फीलिंग आएगा और जब वो पेरेंट वापस आएगा जब वो केयरगीवर वापस आएगा तो दे विल अवॉइड एज़ पर द नेम ठीक है इनसेर थे एक इनसेर क्यों थे क्योंकि नीड्स कभी मेट नहीं हुई ठीक है इसीलिए जब वो इसीलिए जब वो मतलब जब वो केयरगीवर प्रेजेंट है तो उसको स्ट्रेंजर जैसे ही ट्रीट करेंगे स्ट्रेंजर को केयर गिवर जैसे ही ट्रीट करेंगे जब वो जाएगा केयरगीवर तो उनको कुछ खास परेशानी नहीं होगी और जब वो आएगा तो अवॉइड करेंगे इग्नोर करेंगे ठीक है नेक्स्ट इज योर इन्सेक्योर एम्बीबलेंट एंशियस रेजिस्टेंट इन्सक्योर मेन मेन नाम देखने की ज़रूरत है इन्सेर एंड एम्बीबेलेंट ठीक है इसमें क्या है सीख कॉन्टैक्ट विध केयरगीवर पहले अच्छा अच्छा चल रहा था ये बढ़िया अच्छा ये पॉजिटिव में आएगा मतलब बढ़िया सीख कॉन्टैक्ट विद केयर गिवर केयरगीवर जब है तो मतलब दे वॉन्ट कि भाई केयर गिवर रहे और जो स्ट्रेंजर के साथ इतने अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाएंगे स्ट्रेंजर के साथ वॉर्म फील नहीं कर रहे हैं अब जब केयर गिवर गया तो एक्सट्रीम डिस्ट्रेस ठीक है ये नेगेटिव होगा ये गलती से पॉजिटिव कर दिया मतलब स्ट्रेंजर के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं जब भी केयर गिवर जाएगा तो एक्सट्रीम डिस्ट्रेस मतलब अभी तक का किसी में भी एक्सट्रीम डिस्ट्रेस नहीं था बट दे विल बी एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस वन द केयरगीबल इज वन द केयर गिवर इज गोइंग टू लीव नाउ हियर वॉट इज हैपनिंग द केयर विल रिटर्न फर्स्टली तो दे विल सी कॉन्टेक्ट या वाह आ गए ऐसे करके ठीक है दे विल हग हाँ एंड दे विल ग्रीट देम वेरी नाइसली बट आफ्टर सम टाइम्स दे विल विल दे स्टार्ट अवॉइडिंग द पेरेंट दे विल स्टार्ट तो रिजेक्टिंग द केयर गिवर मतलब ये तो भला अलग सी चीज़ है ठीक तो है तो मतलब इनमें दोनों चीज़ें ही चीज़ेंस द नेम एम्बीविलेट एम्बे मतलब यही होता है कि पहले कुछ और करेंगे दूसरी बार कुछ और करेंगे तो पहले ग्रीट कर रहे हैं नेक्स्ट क्या कर रहे हैं अवॉइड कर रहे हैं हैंस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैचमेंट स्टाइल दैट माइट कम इन योर पेपर डिसऑर्गेनाइज डिसऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज में तो मतलब अनक्लियर ही रहेंगे कभी यहाँ मतलब अलग अलग तरह के पैटर्न शो कर सकते हैं वही बच्चे यहाँ पे हो सकता है एनवायरनमेंट एक्सप्लोर कर रहे हो वो हो सकता है वही बच्चे यहीं पर रोने लगे ठीक है हो सकता है यहाँ पे स्टेंजर के साथ एंगेज करने लगे हो सकता है बिल्कुल इंगेज ना करें ठीक है मतलब इनमें से तीनों में से कुछ भी यहाँ पे हो सकता है अगर ये बिल्कुल सेट जो अभी तक ऊपर है किसी से मैच नहीं करता है देन डिसऑर्गेनाइज नाम में ही डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट रहता है एंड ये लोग डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट स्टाइल वाले बच्चे बहुत ज़्यादा आगे चल के इमोशनल बॉन्ड्स बनाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि उनको लगता है क्योंकि शुरुआत में शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा इस तरह की बॉन्डिंग बन बन चुकी है केवा देवा के साथ and hence all these uh, um, att attachment styles have been given by have been given by marines for the lamb after the test of the strain situation test okay and uh, they have found the secure uh, type of attachment जिसमें बहुत अच्छे से explore करते हैं environment engage करते हैं caregiver uh, stranger के साथ and रोते हैं या फिर नहीं भी रोते हैं caregiver के जाने पर और जब वो आता है तो बहुत अच्छे से behave करते हैं but insecure और avoidant में क्या होता है कि पहले तो बहुत मतलब ठीक ही होता है बाद में स्ट्रेंजर को ही कोई केयरगीवर जैसे ट्रीट करने लगते हैं एंड दे आर लाइक इन मतलब प्रेजेंस डज नॉट मैटर आई डोंट केयर एंड जब वो आते हैं तो बहुत अच्छे से इग्नोर करते हैं इन सिक्यूराबी वाले में तो बहुत अच्छे से पहले मतलब सीख करते हैं केयर गिवर का प्रेजेंस उसके बाद स्ट्रेंजर को पसंद नहीं होता है और उसके बाद जब वो जाता है केयर गिवर तो बहुत परेशान हो जाते हैं और जब वो आता है तो पहले तो सीख करते हैं एंड देन बाद में उनको रिजेक्ट कर देते हैं एंड लास्ट इज डिसऑर्गेनाइज सब कुछ हैपिजर्ड होता है इनके कोई भी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं समझ में आ रहा होता है कि किस तरह से करना चाह रहे हैं बट मतलब कभी, आ, हो है, कभी हो सकता है कॉन्टैक्ट सीख करेंगे कभी हो सकता है लेकिन वन लाइन में ही दे विल बी गिविंग यू इफ इट इज़ कमिंग फॉर योर पेपर दे बी गिविंग यू वेरी मतलब बहुत ही हैपिजर्ड सा डिस्क्रिप्शन होगा एंड यहाँ पे इमोशनल बॉन्ड बॉन्ड्स बनाने में बहुत ज़्यादा डरते हैं ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर दैरियंस वर्थ attachment styles. Thank you.